नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल हटके और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार हमें अपने घर की कुछ चीजें कहाँ पर और कैसे रखनी है। कुछ चीजें इन द सेंस कि जैसे कि आपको अपने घर के जो गुल्लक होते हैं, बच्चों के गुल्लक कहाँ पर रखने होते हैं, बच्चों की पुस्तकें कहाँ पर रखनी होती हैं। हम बात करें मोरपंख की, बहुत सारे लोग अपने घर में मोरपंख लाके रखते हैं, तो उसे कहाँ पर रखना चाहिए, सही दिशा क्या है। हम अपने घर के जो पूजा मंदिर में सबसे पहले जो सूर्यदेव की प्रतिमा बहुत सारे लोग रख लेते हैं, वैसे तो सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता होते हैं, उन्हें देखकर आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग प्रतिमा रख लेते हैं, तो रखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनकी सही दिशा होनी चाहिए, तभी उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। हम सिंबल की बात कर लें, स्वस्तिक की बात कर लें, ओम का जो सिंबल होता है ये भी बहुत ही शुभता का सूचक होता है, और ये सारी चीजें वास्तु दोष को दूर भी करती हैं। तो आप ये चीजें अपने घर में सही स्थान पर यदि रखते हैं और थोड़ी सी वास्तु के अनुसार भी आप इसे सेट करते हैं, तो आपके जीवन में समृद्धि आती है, आपके घर में कला क्लेश नहीं होता है और आपके घर में धन की बरकत तो होती ही होती है। आपने यदि वो वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे देखें, जिसमें मैंने जूते चप्पल की सही दिशा, आपके झाड़ू रखने की सही दिशा, आपके डस्टबिन की सही दिशा भी बताई है। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि वास्तु के अनुसार ये चीजें हमें कहाँ पर रखनी होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान सूर्य की। तो देखिए, सूर्य भगवान किधर से उगते हैं, जिधर से उगते हैं उसी दिशा में भगवान सूर्य की प्रतिमा आपको लगानी होती है। नेम फेम पाने के लिए यदि आपको अपने जीवन में तरक्की चाहिए, अपने जीवन में उन्नति चाहिए, तो आपको पूर्व दिशा में ही भगवान सूर्य देव की प्रतिमा लगानी चाहिए। यदि आपका पूजा मंदिर पूर्व में नहीं है, नॉर्थ में आपने रखा है, वेस्ट में रखा है, तो सूर्य देव की प्रतिमा आप अपने घर के ईस्ट की वॉल पे लगाएं। पूजा मंदिर में न रखकर ईस्ट की वॉल पे आप लगाएंगे, वो उसका परिणाम आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, या फिर इस तरह से अरेंज करें कि पूर्व की तरफ वो सूर्यदेव की प्रतिमा हो, तभी उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। अगली बात हम करते हैं मोर पंख की। दोस्तों, मोर पंख हमारे घर की निगेटिविटी दूर करता है, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है, तो मोर पंख आपको अपने पूजा मंदिर में रखने की सलाह अक्सर दी जाती है, लेकिन मोर पंख अक्सर ईस्ट की वॉल पे आपको रखना होता है या फिर नॉर्थ की तरफ। यदि आपका पूजा मंदिर ईस्ट या फिर नॉर्थ है या ईशान में है, तो भी आप मोर पंख रख सकते हैं। देखिए, सभी वास्तु के अनुसार सभी दिशाओं के अपने गुण धर्म रंग होते हैं, तो उस रंग के अनुसार आपको चयन करना चाहिए, जो कि जानकारी मैंने अलग वीडियो में दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ जो पानी का कलर है वो कौन सा है, ब्लू कलर है, तो स्काई ब्लू लिए कलर नॉर्थ का दिशा होता है, जिसे आप वहां पर लगा सकते हैं। अब जो हमारे मोरपंख का कलर होता है उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन ब्लू, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीन, इस तरह से संबंध है, तो आप नॉर्थ के साइड में इसे लगा सकते हैं, ईस्ट के साइड में भी इसे रख सकते हैं, बहुत ही शुभ परिणाम आते हैं। वहीं पर हम बात कर ले कि जो स्वस्तिक का चिन्ह होता है, इसे मुख्य द्वार पर लगाया जाता है, तो मुख्य द्वार पर आप लगा सकते हैं। स्वस्तिक का निशान जहां भी लगता है वहां पर शुभता आती है, नकारात्मकता दूर होती है, तो आप अपने मुख्य द्वार पर, दरवाजे पर लगा सकते हैं, मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। आप अपने लॉकर या कोई भी हम बहुमूल्य चीज लेते हैं, तो वहां पर शुभता लाने के लिए स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, यहाँ तक कि जब हम पूजा पाठ आराधना करते हैं तो भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। स्वास्तिक किस तरह बनाना चाहिए, सही, अलग अलग स्वास्तिक किस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि भगवान गणेश के लिए अलग तरह का स्वास्तिक बनता है, माता लक्ष्मी के लिए अलग स्वास्तिक बनता है, और पूजा वगैरह में अलग स्वास्तिक बनाया जाता है, जो कि इस पे स्पेशली मैंने वीडियो दी है, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं कि वो धन की बचत करें, सेविंग ही हमारे जीवन के अलग अलग पड़ाव में, विषम स्थितियों में काम आती है, तो सेविंग हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। तो वो गुल्लक हमें कहाँ रखना है, तो देखिए, अगर आप अपने घर का गुल्लक, अपने घर का जो राशि है वो घर के
पश्चिम दिशा में रखते हैं, वेस्ट साइड में रखते हैं या फिर साउथ वेस्ट में रखते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि दक्षिण दिशा में, दक्षिण और पश्चिम के कोने में आप रखें या फिर पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके धन में ज्यादा सेविंग होती है, बढ़ोतरी होती है। वहीं पर बच्चों की जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, पढ़ने लिखने की जो चीजें हैं पुस्तक से संबंधित, वो भी आपको अपने घर के वेस्ट साइड में रखना चाहिए। देखिए, घर से मतलब है जिस रूम में आप रख रहे हैं, जिस रूम में आपका बच्चा है, उस रूम के अकॉर्डिंग भी आप उस चीजों को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी वास्तु की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब चलते चलते हम आपको जूते चप्पलों का भी स्थान बता दें। जूते चप्पल आपको पश्चिम दिशा में ही रखने चाहिए। पश्चिम दिशा शनि की दिशा होती है और जो जूते चप्पल होते हैं वो भी पैरों में पहने जाते हैं, इसलिए शनि से संबंध रखते हैं। जूते भी आपको पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर नहीं रखना है, उल्टे जूते चप्पल घर में ना हो वरना कला कलेश हो सकती है। पीले रंग के, सफेद रंग के जूते चप्पल हमें नहीं पहनने चाहिए। काले, ग्रे और भूरे रंग के जूते ही पैरों में पहनने चाहिए। इसके बारे में डिटेल में जानकारी आप हमारी वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। इस तरह से वास्तु के अनुसार कुछ चीजें हमें अपने घर में इस तरह से यदि अरेंज करके हम रखते हैं तो हमारे घर में खुशियां आती हैं, कलह कलेश नहीं होता है। वहीं पर चलते चलते अहम जानकारी कि यदि आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में उस वास्तु दोष का समाधान नहीं हो सकता है, आपको एक लकड़ी की बांसुरी लेकर आनी है और घर के दक्षिण दिशा में उस बांसुरी को टांग देना है। लकड़ी की बांसुरी मेले वगैरह में मिलती है, वो बांसुरी आप लेकर आए और उसे आपको घर के दक्षिण दिशा में टांगने से वास्तु दोष से आपको निजात मिलता है, छुटकारा मिलता है। तो कहीं भी ये कार्य आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि वास्तु के अनुसार कुछ चीजें हमें कैसे और कहाँ पे अरेंज करनी है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।